खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री करण देव कंबोज रविवार को रोहतक अनाज मंडी में पहुंचे और गेहूं की आवक व उठान कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने मंडी में आए गेहूं की नमी व गेहूं के कट्टे का तोड़कर माप यंत्रों की जांच पड़ताल भी की। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री ने कहा कि प्रदेश की मंडियों में गेहूं की आवक का कार्य 1 अप्रैल से शुरू हो गया था। पिछले 10-12 दिनों में भारी मात्रा में गेहूं मंडियों में आया है और उठान का कार्य भी तेजी से हो रहा है। उन्होंने बताया कि शनिवार तक प्रदेश की मंडियों में 65 लाख मीट्रिक टन गेहूं की आवक हो चुकी है। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए करण देव कंबोज ने प्रदेश में आगजनी से फसलों को हुए नुकसान का 12,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को मुआवजा दिए जाने की बात भी कही। 1 अप्रैल से शुरू होता है और अब की बार मौसम खराब होने की वजह से थोड़ा अराइवल देर में स्टार्ट हुई है। लोगों ने हार्वेस्टिंग देर में शुरू की है और जो माल 1 महीने के अंदर मंडियों के अंदर आना था वो एकदम से 10-12 दिन के अंदर अंदर जो है वो मंडियों में आ गया। उसको लेकर के थोड़ी बहुत यह व्यवस्था उठाने की हुई है, लेकिन सारी स्थिति जो है ना वो कंट्रोल में है। फिर भी लिफ्टिंग अच्छी तरह से चल रही है और जो हमारा कल तक का प्रोक्योरमेंट था वो 65 लाख मीट्रिक टन हमने पूरे हरियाणा में कल तक खरीद की है। पिछले साल पूरे सीजन में हमने 74 लाख मीट्रिक टन खरीद की थी और उम्मीद है कि अब की बार 74 से ऊपर आएगी, क्योंकि अब की बार पर एकड़ यील्ड भी अच्छी है, अच्छी आवक आ रही है। तो उसको लेकर के हमने सभी तरह के इंतजाम किए हैं, बारदाने के जो है ना पूरी व्यवस्था की हुई है और सभी एजेंसियां तैनात है। सभी एजेंसियां अपने हिस्से का गेहूँ खरीद कर करके वो अपने जो गोडाउन में पहुँचवा रही है। लिफ्टिंग की थोड़ी बहुत मैंने कहा कि वो एकदम आने की वजह से थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन अब कंट्रोल में अब ठीक हो रहा है और सभी आड़ती भी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक चल जाएगा। तो हमने आकर के मंडियों में सारी जगह जो मैं कल भी दौरे थे, परसों भी दौरे थे, वो लगभग जो है ना 50 से ज़्यादा मंडियों का दौरा मैंने कर लिया। सभी जगह बिल्कुल स्मूथली काम चला हुआ है, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। 1-2 मंडी में कहीं कोई छोटा मोटा इशू है, उसको जो है ना हमने दिशा निर्देश दे करके अपने अधिकारियों से बात करके और साथ के साथ उस समस्याओं का समाधान भी साथ के साथ कर लिया। देखिए, इसमें फसल बीमा में जो है ना आगजनी शामिल नहीं होती, कवर नहीं होती उसमें, लेकिन हरियाणा सरकार ने अपने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए हमने फैसला लिया कि जिन किसानों की फसल आग की वजह से जो है ना ख़राब हो जाती है, नष्ट हो जाती है, आग की भेंट चढ़ जाती है, हम उनको जो मुआवजा 12,000 रुपये एकड़ देते हैं हम उनको मुआवजा देंगे ताकि उनकी भरपाई हो सके। और पिछले साल भी हमने बहुत मुआवजा किसानों को दिया था आगजनी का। अब की बार भी जहाँ जहाँ आग की घटनाएं हुई हैं सभी जगह दिशा निर्देश दे दिया कि विशेष गढ़दौरे करा करके, और ये भी कहा गया सभी डीसीज को भी शाम तक उनकी रिपोर्ट भेजें ताकि साथ के साथ उनको जो है ना मुआवजा राशि दी जा सके।